कि श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चतलों में चरणों में सर नवाकर रथ लेकर चला गया। अब जो इंद्र का रथ का वाहक है उसका क्या नाम है? मातली। उसने श्री राम के चरणों में सर नवाया और चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता है, देवताओं का क्या रहता है? हमेशा स्वार्थ रहता है नारायण से मिलने में। वे ऐसे वचन कह रहे हैं कि मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया करी। विश्व के द्रोहों में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया है। और कहते हैं कि आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन। मतलब कि श्री राम जी के लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, शत्रु मित्र के भाव से रहित अखंड निर्गुण अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति और दया में है। अमोघ शक्ति मतलब श्री राम जी की शक्ति है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, अपना कार्य सिद्ध करके आती है। तो इस शक्ति क्या बोलते हैं? अमोघ शक्ति। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराहा नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। इस प्रकार वंदना सभी देवता कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? कि देवता लोग कहते हैं कि ये दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण और अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इतना बड़ा परम पद, इतना बड़ा जो रावण था अधमी था, पापी था, शत्रु काम लोभ मद के अधीन था, मलिन हृदय वाला था, उसने भी प्रभु का परम पद पा लिया। इस बात का तो हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बात सभी देवता लोग श्री राम जी से कहते हैं कि हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह में पड़े हैं। भव सागर के प्रवाह में पड़े यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब हे प्रभो, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। सारे देवता श्री राम जी के समक्ष खड़े होकर उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं कि विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, सुनिएगा। जय राम सदा सुख दाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नित्य भी, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिन्द्र कवि, जस पावद रावण नाग महा, अगनाथ जथा करी कोप गह, जन रंजन भंजन सुख भयम, गत क्रोध सत प्रभु बोध मयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिबार विपन्न ज्ञान घनम, अज व्यापक में कम नादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हाकृत भूप विभीषण दीन रा, गुण ज्ञान निधन अमान अजम, नित राम नमामि विभूम ब्रजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दिन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम, सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भुपरम, सुख मंद
संदर्शि रमणम मदमार मुद ममता समनम अनवद अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंति न दंत कथा रविया तप भिन्न मा भिन्न जथा कृत कृत विभो सब बानर निरखति तवानन सादर दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिन भव भूली परे अब दिन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिए जहित विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख माने सुख चरिए कल खंडन मंडनम में क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा नृप नायक देवर दान मिदम चरणम बुझ प्रेम सदा शुभदम मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम ब्रह्मा जी श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि हे नित्य सुखदाम और दुखों को हरने वाले हरि हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो हे प्रभु आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं हे नाथ हे सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परम परंतु अनुपम छवि है सिद्ध मुनीश्वर और कपि कवि आपके गुण गाते रहते हैं आपका यश पवित्र है आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया हे प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले शोक और भय का नाश करने वाले श्रद्धा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक और अनादि हैं हे करुणा की खान राम जी मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ हे रघुकुल के आभूषण हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया हे ऐसा कहते हैं देवता लोग और ब्रह्मा जी कहते हैं कि विभीषण तो इतना दीन था कि आपने उसे राजा बना दिया हे गुण और ज्ञान के भंडार हे मान रहित हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ आप भव सागर से तारने वाले हैं कारण रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं हे राम आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं कि कमल के समान लाल रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं आप अनिंद या दोष रहित हैं अखंड हैं इंद्रियों के विषय नहीं हैं सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं ऐसा वेद कहते हैं यह कोई दंत कथा नहीं है यह कोई कोरी कल्पना नहीं है जैसा सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग भी नहीं हैं वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं कि आप संसार में हैं भी और संसार से अलग भी हैं हे व्यापक प्रभु ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक
ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में भूले पड़े हैं। हमसे ज्यादा तो ये वानर जो लोग हैं ना, ये कृतार्थ हैं, ये खुश हैं जो आदर पूर्वक आपका मुख तो देख रहे हैं। हे धीर दयालु, अब दया कीजिए, मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ। जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं कि शिव पार्वती आपके चरणों की सेवा करते हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम रहे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती करी। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं।